हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू विद ऋषभ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट विल बी द टीम स्क्वायर्ड एंड ये मैच कौन जीतेगी। सो आपका स्वागत है हैशटैग ऋषभ एनालिसिस में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो आफ्टर द इंट्रो। जल्दी से मैं अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूँ आपको, मुंबई इंडियंस एंड किंग्स इलेवन पंजाब की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूँ किंग्स इलेवन पंजाब एंड मुंबई इंडियंस की। सबसे पहले मैं किंग्स इलेवन पंजाब से स्टार्ट करूंगा। मेरे ओपनिंग कोच रहेंगे केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल, एज इट इज दोनों फॉर्म में अभी। सबसे अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बन रही है उनके इस आईपीएल में। तो मयंक अग्रवाल पिछले मैच में फॉर्म में थे, केएल राहुल भी फॉर्म में थे, केएल राहुल तो अच्छा खेलते ही हैं। ओके, फिर था नंबर थर्ड में मैं करुण नायर को ना उतार के ग्लेन मैक्सवेल को उतारूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को थोड़ा बाद में चांस मिलता है करुण नायर के बाद, इसलिए वो शायद थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि हाँ मैं मार पाऊँगा कि नहीं। लेकिन अगर वो जल्दी उतरेंगे, अगर वो फर्स्ट डाउन में उतर जाते हैं तो आई थिंक वो अच्छा खेलेंगे। उसके बाद अगर करुण नायर उतरें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करुण नायर तो अच्छे प्लेयर हैं ही। उसके बाद मनदीप सिंह हैं, सरफराज खान हैं, उसके बाद ऑलराउंडर्स आ जाते हैं हमारे। ऑलराउंडर्स में हम ला सकते हैं हरप्रीत ब्रार, ये भी यंगस्टर हैं, 22 के हैं, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंडर 23 इंडिया के लिए खेलते हैं, ये अच्छा खेलते हैं ये हैं। और दीपक हुड्डा अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको हमने बहुत देखा हुआ है, जिमी नीशम, इनको तो खिलाना ही चाहिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। एंड कृष्णप्पा गौतम इज ऑल्सो द वेरी गुड प्लेयर। एंड यस, ऑलराउंडर में यही हैं। एंड बॉलर में मैं सबसे पहले उतारना चाहूँगा बैटिंग में मुरुगन अश्विन, ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। देन सारे बॉलर हैं मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉटरे लाइक। एंड अगर मैं ओ बॉलिंग की बात करूँ तो सबसे पहला ओवर तो शेल्डन कॉटरे को ही देना चाहिए, अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन राहुल तेवतिया ने जो 5 छक्के लगाए थे उनमें गलत लेंथ थी, गलत स्ट्रैटेजी थी, इसलिए वो नहीं अच्छी बॉलिंग कर पाए। एंड अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूँ तो मेरे प्लेइंग 11 में ओपनिंग पे आएंगे रोहित शर्मा एंड क्विंटम डिकॉक, एज इट इज़ दोनों आते हैं। एंड मैं थर्ड नंबर पे सूर्य कुमार यादव को ना उतार के क्रिस लिन को उतारूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रिस लिन अभी CPL खेल के आए हैं, फॉर्म में, और सूर्य कुमार यादव अभी उतने फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं हमें, इसलिए आई थिंक क्रिस लिन को उतारना चाहिए नंबर थर्ड पे। उसके बाद अगर सूर्य कुमार यादव को उतारें या ना उतारें, अगर ना भी खेलें कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं। एंड उसके बाद भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ईशान किशन को सुपरस्टार ऑफ द प्रीवियस मैच, सबको पता है, सबने देखी होगी उनकी बैटिंग, 9 sixes 99 runs व्हाट इनिंग्स। एंड उसके बाद हार्दिक पंड्या हैं, हार्दिक पंड्या वैसे अभी इतने फॉर्म में नहीं है क्योंकि जैसा पिछले बार RCB के खिलाफ सुपर ओवर हुआ था उसमें ईशान किशन को ये लग गया था कि उनको नहीं उतारा गया और हार्दिक को उतारा गया, हार्दिक अच्छा नहीं खेले सुपर ओवर में। मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा को लगा था कि हार्दिक पंड्या हिट्स लगा सकते हैं बड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लगा पाए। उसके बाद अगर रोहित शर्मा उधर जाते सुपर ओवर में तो कुछ हो सकता था, लेकिन रन नहीं बने, केवल 8 runs टू विन मिला RCB को और RCB जीत गई। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ आउट की बात करूँ तो कायरन पोलार्ड हैं, क्रुणाल पंड्या हैं, उसके बाद बॉलर्स में आ जाएंगे आपके ऑलराउंडर में क्रुणाल पंड्या, हार्दिक पंड्या, कायरन पोलार्ड एंड जयंत यादव, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके बाद बॉलिंग में मैं बात करूँ तो विथावल कुलकर्णी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि अभी हमने इनकी बॉलिंग देखी नहीं है, और ये पिछले मतलब जितना भी IPL हुआ है बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं ये हर मैच में, इसलिए मैं इनको देखना चाहूँगा खेलते हुए। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मैं लेके आता हूँ नेक्स्ट मैच का प्रीव्यू। सो एज ऑलवेज, बाय फॉर नाउ।